गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद के साथ साथ उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। अब पुलिस, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र में अतीक अहमद के साढ़ू के कब्जे वाली बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। यह बिल्डिंग नजूल की जमीन पर खड़ी थी और उसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। आरोप है कि अतीक अहमद के रिश्तेदार ने अवैध रूप से इस भवन का निर्माण कराया था। इसके लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। प्रयागराज जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही कई भवनों को चिन्हित किया था जो बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि अतीक के रिश्तेदार और 25,000 के इनामी इमरान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पानी टंकी के पास अवैध निर्माण करा रखा था। इसकी जांच के बाद शनिवार को अधिकारियों ने अवैध निर्माण को गिरा दिया। गौरतलब है कि अभी तक पुलिस अतीक अहमद की लगभग 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।